सभी जानना चाहते हैं एक सवाल, आखिर सूर्या की बैटिंग के पीछे का क्या है कमाल? क्रिकेट के दिग्गज भी सूर्या की बैटिंग के कायल, ऐसे शॉट लगाते हैं सूर्या, कर देते हैं सबको घायल। आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर सूर्या का गेम प्लान कैसा रहता होगा, जिससे उन्हें रिलैक्स रहने और मैच में लगातार ऐसी पारी खेल पाते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में सूर्या ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की है। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 5 मैचों में 350 जमाई है। क्रिकेट के दिग्गज भी सूर्या की बैटिंग के कायल है। सूर्य कुमार के पास मैदान के हर कोने में बॉल पहुंचाने की काबिलियत है। यही वजह भी है कि उन्हें मौजूदा क्रिकेट जगत का 360 प्लेयर भी कहा जाने लगा है। सूर्या T20 रैंकिंग में भी नंबर एक बल्लेबाज बन चुके हैं। इसी बीच फैंस यह जानने को भी उत्सुक होंगे कि आखिर सूर्या का गेम प्लान कैसा रहता होगा। इस पर बता दें कि सूर्य कुमार हर बार मैच से पहले 2 नियम फॉलो करते हैं। एक नियम उनका खुद का है, जबकि दूसरा उनकी पत्नी फॉलो करती है। सूर्य कुमार की पत्नी देविशा लगभग हर दौरे पर ही सूर्या के साथ होती है। साथ ही वह हर बार मैच से पहले एक नियम फॉलो करती है। वो सूर्या का फोन मैच से काफी समय पहले ही अपने पास रख लेती है। इससे सूर्या पर कोई गैर जरूरी या कहें कि अतिरिक्त दबाव नहीं होता है। यही वजह भी होती है सूर्या अपने गेम प्लान के तहत एक अलग ही मेंटल जोन में होते हैं और लगातार ऐसी पारियां खेल पाते हैं। दोस्तों, देविशा के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही हाल ही में सूर्या से भी सवाल किया गया था कि वह मैच से ठीक एक दिन पहले क्या गेम प्लान बनाते हैं, क्या जमकर नेट प्रैक्टिस करते हैं या और कुछ रणनीति पर काम करते हैं। इसके जवाब में सूर्य कुमार ने कहा था, पिछले 4 सालों से मैंने एक ही रणनीति अपनाई है, इससे मुझे काफी फायदा भी हुआ है। मैच से ठीक एक दिन पहले मैं छुट्टी लेता हूँ। जितनी भी प्रैक्टिस करनी हो वह 2 दिन पहले तक ही कर लेता हूँ। ठीक एक दिन पहले मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताता हूँ और क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं अच्छा खेलूं या नहीं, मेरी पत्नी हर हाल में मेरा सपोर्ट करती है। उसने मेरे दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा दी है कि मुझे वैसे ही रहना चाहिए जैसा मैं था, चाहे मैं अच्छा करूं या नहीं। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को हराया है। इस मुकाबले में सूर्या ने 25 बॉल पर 61 रनों की पारी खेली। इस दौरान सूर्य कुमार ने 4 छक्के और 6 चौके जमाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 244 का रहा। साथ ही सूर्या इस साल जनवरी से अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्या ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक 5 मैच खेले, जिसमें तीसरी 50 लगाई है। इससे पहले सूर्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 और नीदरलैंड्स के खिलाफ नाबाद 51 रनों की पारी खेली। इन्हीं पारियों के दम पर सूर्य कुमार ICC की T20 रैंकिंग में भी नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में भी उन्होंने पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ा है।